इचाक टू खैरा भाया डाढ़ा पथ की जर्जर स्थिति को लेकर क्षेत्र के करीब 40 गांवों के हजारों लोग सड़क पर उतरकर विरोध जताया। मानव श्रृंखला कार्यक्रम डाढ़ा से लेकर इचाक प्रखंड मुख्यालय तक करीब 10 किलोमीटर में क्षेत्र के करीब 40 गांवों के हजारों लोग मानव श्रृंखला बनाया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा महिलाएं सुबह 9 बजे से ही सड़क पर आना शुरू कर दिए थे। इचाक टू खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विधि व्यवस्था में बाधा ना पड़े इसके लिए गांव-गांव में भ्रमण कर मानव श्रृंखला बनाने में जुटे रहे। इस क्रम में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के विभिन्न दल के नेताओं ने कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने विधायक, सांसद और झारखंड सरकार, हाय हाय झारखंड सरकार, होश में आओ के नारे भी लगाए। सड़क को RIO से PWD में स्थानांतरित कर नए सिरे से निर्माण की मांग भी कर रहे हैं। इचाक से महेश मेहता की रिपोर्ट। इचाक टू खैरा भाया डाढ़ा पथ निर्माण संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज खैरा से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक मानव श्रृंखला का आयोजन किया, जिसमें उस क्षेत्र में पढ़ने वाले करीब 40 गांव के महिला, पुरुष, बच्चे समेत अपने अपने गांव के, अपने अपने घरों के बाहर खड़े रहे। गांव में तमाम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध किया है। उन लोगों का मांग है कि इचाक से खैरा भाया डाढ़ा पथ का जो है उसको PWD में शामिल करके इसको नए सिरे से बनाया जाए। इस कार्यक्रम में आज क्षेत्र के तमाम राजनीतिक दल, तमाम जनप्रतिनिधि लोग शामिल हैं। आइए चलकर उनसे बात करते हैं क्या है उनकी मांग है। आज हम लोग खैरा से इचाक भाया डाढ़ा पथ का निर्माण को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों को मानव श्रृंखला पूरे इचाक से खैरा तक बनाना था, लेकिन प्रशासन ने के तौर पर हम लोगों को परमिशन नहीं मिलने के कारण हम लोगों ने COVID-19 का भरपूर पालन करते हुए, 100% पालन करते हुए गांव बाज गांव अपना परिचय दिया। गांव बाज गांव लोग हम लोग गांव के रोड पर निकल करके हम लोग कार्यक्रम करने का काम किया। मैं ओम प्रकाश मेहता, अध्यक्ष संघर्ष समिति। आप बताइए भैया, जो वर्तमान मांगे हैं वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता अगर रोड पर उतर गया तो मुद्दे के सवाल हो जाते हैं, और वर्तमान MLA और जो सांसद हैं यहाँ के, यही दोनों को टीक मारना रहता है। प्रधानमंत्री ग्राम योजना अभी 3,000 किलोमीटर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद में भी इन्होंने नहीं माना है। हम लोगों की सरकार है, कांग्रेस पार्टी इसको मजबूती से उठाएगी, अपने मंत्रियों के बीच में इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे, और इचाक से खैरा पथ को किसी भी कीमत में बने, पूरी सुनिश्चित कराएंगे PWD से बने। लेकिन यहाँ वर्तमान MLA और वर्तमान MP, वर्तमान MLA का और ज्यादा सुन लीजिए, कोविड में 50 लाख रुपया मिला 61,000 रुपया मजदूरों को देने के लिए, वो पैसा भी मजदूरों को नहीं दे करके बल्कि वो पार्क में दे दिया। इस विधायक को इचाक की जनता नजर नहीं आता है, लेकिन पागल आ जाता है। यहाँ के सांसद भी मंत्री बनी हुए, अपील करते हैं कि इस रोड को बनाए और राज्य सरकार से इनकी मांगों को मजबूती के साथ में कांग्रेस पार्टी उठाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इचाक से खैरा भाया डाढ़ा पथ हम ग्रामीणों को एक ही मांग है, रास्ता छोड़िए, यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूरों को एक ही मांग है कि इस पथ को PWD में शामिल कर अपना परिचय दीजिए। इस और हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हम नहीं बनाना चाहते हैं, अगर ये जिला परिषद है इससे बनाती है तो हम इसको विरोध करेंगे। मेरा परिचय इंद्रदेव प्रसाद मेहता, प्रधान महासचिव आपका पत्र। भाया डाढ़ा पथ बहुत जर्जर है, हम लोग इससे काफी तकलीफ में है, पीड़ित है, यहाँ की जनता आक्रोश में है, और अगर हम लोगों का ये रोड PWD में शामिल करके पक्का और सुशक्त और सशक्त नहीं बनाया जाता है, जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक हम लोग संघर्ष मोर्चा के लोग एकदम आंदोलनरत है। और आज पथ निर्माण संघर्ष समिति को हम बधाई देते हैं। बोलिए, हम लोगों का मुख्य मांग है कि जो इचाक से भाया डाढ़ा खैरा पथ है
इस पथ को अविलंब आरईओ से पीडब्ल्यूडी में परिणत करके उसको अविलंब बनाया जाए। सरकार जल्दी से जगे, यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो जगे। मैं विकास कुमार पांडे, पथ निर्माण समिति के महासचिव। आज जो पब्लिक का जन आंदोलन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि सबसे पहले कि विकास से जो बरकथा के जनता का दिक्कत जो है वो आज माँ बहने और जितने भी बच्चे लोग भी रोड पर उतरने के काम किया है, इससे सरकार को जागना होगा। राज्य सरकार को आगे आकर के इस रोड पर अविलंब बनावे। पूर्व में ही हम लोग जिसको आरईओ में पास हुआ था, आरईओ से बनने वाला नहीं था, उसको पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत इसको किया गया है। फिर भी अभी तक सरकार सोई हुई है। 3 साल हम लोग 3-4 साल लगा हुआ था इसको पास करवाने में, तो आज भी है ऐसी इस रोड को नींद में, गहरी नींद में सोई हुई हेमंत सरकार। इसको जागने की जरूरत है और ये रोड अविलंब बनावे, न क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं। पथ निर्माण संघर्ष समिति को हम बधाई देते हैं जिन्होंने यहाँ आंदोलन को खड़ा किया है। यह रोड का मामला बहुत वर्षों से उठ रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी को भी हमने पत्र लिखा, कमिश्नर को पत्र लिखा, हजारीबाग डीसी शुक्ला जी को पत्र लिखा, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हम इस राज्य की हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि इस पथ को तत्काल पथ निर्माण में शामिल करके और इस रोड का निर्माण किया जाए, नहीं तो जो संघर्ष समिति आंदोलन कर रहा है उसका हम समर्थन करेंगे। और जहां भी जाना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगा तो इस रोड के लिए यदि गिरफ्तारी भी देना पड़ेगा तो हम लोग सरकार के समक्ष गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ बोलिए भैया, क्या मांग है आप सड़क के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आज इचाक प्रखंड के अंतर्गत पथ निर्माण समिति के तत्वाधान में 23 तारीख से एक आंदोलन का रूप यहाँ के 5 पंचायत के जनमानस की ओर से एक मानव श्रृंखला आयोजन करके और यहाँ की झारखंड की सरकार को और केंद्र की सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं यहाँ के जनमानस कि ये जो रोड हम लोग का है, लगभग 20 वर्षों से गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा है। यहाँ के जनमानस को इतनी तकलीफ हो रही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे विधायक हैं चाहे सांसद हैं, 20 साल के अंदर किसी ने जनप्रतिनिधि ने उस रोड के ऊपर ख्याल करने का काम नहीं किया। आप लोगों का मांग क्या है? हम लोगों का मांग है कि इस रोड को आरईओ में है, आरईओ से पीडब्ल्यूडी में परिणत करा करके पीडब्ल्यूडी से अविलंब बनाने की मांग यहाँ की जनता कर रही है। अपना परिचय दें। अर्जुन कुमार मेहता, संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी,